नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा शुरू होने वाली है। बांका जिले में परीक्षा को लेकर 36 केंद्र बनाए गए हैं। 2 पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा में 22,171 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। कदाचार मुक्त इंटर की परीक्षा सम्पन्न कराने को लेकर DM सुहर्ष भगत ने समाहरणालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में SP अरविंद कुमार गुप्ता सहित प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। DM ने अधिकारियों को हर हाल में कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने का निर्देश दिया। परीक्षा को शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त संचालन को लेकर DM सुहर्ष भगत ने बताया कि जिले के 36 केंद्रों पर 22,171 छात्र छात्राएं शामिल होंगी, जिसमें छात्राओं के लिए 18 तो और छात्रों के लिए भी 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 1,200 से अधिक वीक्षक को परीक्षा ड्यूटी में लगाया जाएगा। संक्रमण के अंतिम चरण में हो रही परीक्षा को लेकर एहतियात बरतने जाने का भी निर्देश दिया गया है। सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों को प्रवेश के पूर्व मास्क व हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कराया जाएगा। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग के बाद भी छात्र छात्राओं को केंद्र के अंदर प्रवेश कराया जाएगा। DM ने बताया कि कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर पहले से ही तैयारी कर लेने का निर्देश अधिकारियों और केंद्राध्यक्ष को दिया गया है। कदाचार मुक्त परीक्षा कराना हमारा कर्तव्य है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना है कि छात्र छात्राओं को किसी तरह की परेशानी न हो। बैठक में मौजूद SP अरविंद कुमार गुप्ता ने कहा कि परीक्षा के सभी सेंटरों पर सुरक्षा को लेकर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा सेंटर के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र के आसपास किसी के आने की अनुमति नहीं रहेगी। साथ ही आसपास फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। स्टैटिक सर्विलांस की टीम लगातार गश्त लगाते रहेंगे। SP ने कहा कि हर हाल में कदाचार मुक्त परीक्षा कराई जाएगी। किसान आंदोलन के समर्थन और 3 नए कृषि कानून के खिलाफ बुधवार को राजद सहित महागठबंधन में शामिल दलों की ओर से मानव श्रृंखला बनाई गई। मानव श्रृंखला में राजद के केंद्रीय नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव तथा बिहार के पूर्व मंत्री जावेद इकबाल अंसारी सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं व आम लोगों ने भाग लिया। महागठबंधन के इस आंदोलन का केंद्र एक बार फिर बांका शहर का गांधी चौक बना, जहां विभिन्न दलों के बड़े नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों का जमावड़ा लगा। इस आयोजन के पूर्व राजद सहित विभिन्न दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के स्मारक पर माल्यार्पण करते हुए शहादत दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने 3 नए केंद्रीय कृषि कानून को काला कानून की संज्ञा देते हुए उन्हें वापस लिए जाने तक किसानों के आंदोलन को पूरी ताकत के साथ समर्थन जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। किसान आंदोलन के समर्थन एवं कृषि कानून के खिलाफ 30 जनवरी को मानव श्रृंखला निर्माण का संकल्प एवं आह्वान राष्ट्रीय जनता दल की ओर से किया गया था, जिसमें महागठबंधन में शामिल कई अन्य दल भी शामिल हुए। मानव श्रृंखला का आयोजन जिला मुख्यालय के गांधी स्मारक चौक सहित जिले भर में किया गया। गांधी स्मारक के समीप बुधवार को सवेरे 11:30 बजे से यह आयोजन रखा गया था। इसके लिए जिले भर से लोग यहां जुटे थे। इस आयोजन में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव तथा बिहार के पूर्व मंत्री जावेद इकबाल अंसारी सहित पूर्व विधायक स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, वरिष्ठ राजद नेता राजीव कुशवाहा व ओम प्रकाश गुप्ता, युवा राजद के प्रांतीय नेता गुड्डू यादव, प्रमोद राउत, विनोद यादव, अनिरुद्ध यादव, बम्बम यादव एवं अबुल हासिम आदि ने प्रमुख रूप से शिरकत की। मानव श्रृंखला में कांग्रेस के भी कई नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बांका के गांधी चौक पर नमन करते हैं। आज संपूर्ण बिहार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर महागठबंधन ने मानव श्रृंखला लगाने का काम किया है कि जो कृषि नीति के तहत 3 काला कानून लाया गया है वह किसान विरोधी है, वह जन विरोधी है, वह अन्नदाता विरोधी है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेताओं ने एकताबद्ध होकर के यह निर्णय लिया कि हम जो किसान बॉर्डरों पर आज 3 महीना से बैठे हुए हैं, शीतलहर में बैठे हुए हैं, ठंडक में बैठे हुए हैं, सैकड़ों की मौतें हुई और जो है केंद्र की तानाशाही हुकूमत, हिटलरशाही हुकूमत जो है किसानों के साथ न्याय नहीं कर रही है।
किसान विरोधी बिल को वापस लेने एवं आंदोलित किसानों के समर्थन में अमरपुर प्रखंड के महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला का आयोजन किया। शहर के बस स्टैंड चौक पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्तागण सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मानव श्रृंखला में शामिल हुए। मानव श्रृंखला 12:30 बजे शुरू हुई जो 1 बजे तक चली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। मौके पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष मनोज दास ने बताया कि आज केंद्र सरकार पूरी तरह तानाशाही रवैया अपनाते हुए किसानों के साथ छल कर रहे हैं, जिस देश के किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। वरीय नेता बालमुकुंद मंडल ने कहा, आज महीनों से देश के किसान कड़ाके की ठंड में दिल्ली में धरना दिए हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। देश के किसानों के साथ महागठबंधन के कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी रहेगी। किसानों के समर्थन में पूरा देश साथ है। विधि व्यवस्था को लेकर मजिस्ट्रेट के रूप में मनरेगा पीओ राकेश कुमार, अमरपुर थाने में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक महेश्वर पासवान पुलिस बलों के साथ मौजूद थे। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप कुमार चतुर्वेदी, जिला महासचिव अनिल झा, राजद के युवा नेता अशोक शाह, दिग्विजय भगत, जिला प्रधान महासचिव इरफान खान, संजय यादव, सुनील वैद, सिट्टू दास समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। बांका जिले के अमरपुर थाना परिसर में शनिवार के दिन जमीन संबंधित विवाद के निपटारा को लेकर सीओ स्वाति कृष्णा एवं पुलिस निरीक्षक वकील प्रसाद यादव की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में फतेहपुर, सलेमपुर, सिहुड़ी, पवई, सुभानपुर, जानकीपुर, महादेवपुर आदि गांव से दर्जनों फरियादी पहुंचकर जमीन विवाद को लेकर आवेदन दिया। सभी फरियादियों के द्वारा दिए गए आवेदनों का अमरपुर सीओ ने बारीकी से अवलोकन करते हुए उपस्थित अंचल कर्मियों को विपक्षी का नोटिस निर्गत कराने का निर्देश दिया। वहीं नया टोला हसनपुर के ग्रामीणों ने गांव के दबंग द्वारा जबरन मस्जिद की जमीन पर दीवार देने का आरोप लगाया, जिस पर सीओ ने अविलंब विपक्षी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। मौके पर सीओ ने बताया कि शनिवार के दिन जमीन संबंधित नए 8 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें जमीन संबंधित 2 विवादों का ऑन द स्पॉट निपटारा कर दिया गया है। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय, थाना मैनेजर समेत अन्य पुलिसकर्मी व फरियादी उपस्थित थे। बांका जिले के अमरपुर शहर स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप कुमार चतुर्वेदी की अध्यक्षता में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि मनाई। इस अवसर पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तेलचित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए भावमिनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। मौके पर पार्टी के जिला महासचिव अनिल झा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रतिभा के बहुत ही धनी व्यक्ति थे। उन्होंने देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है। देश के उत्थान के लिए इन्होंने अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। देश की जनता बापू को राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं। 30 जनवरी 1948 को नाथू राम गौड्स ने बापू को गोली मारकर हत्या कर दी थी। देश की जनता इनके बलिदानों को कभी नहीं भूल पाएगी। इस अवसर पर पार्टी के वरीय नेता जयप्रकाश मोदी, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष उमाशंकर दास, सिट्टू दास, केदार यादव, विंदेश्वरी यादव समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। अमरपुर थाना क्षेत्र के डुमरामा मैदान में चल रहे डीसीए चैलेंज कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में चांदन की टीम ने दाउदपाट भागलपुर की टीम को 88 रनों से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चांदन की टीम ने निर्धारित 16 ओवर से 7 विकेट पर 170 रन बनाए। चांदन टीम की ओर से प्रभाकर ने 53, उज्जवल ने 30 एवं संदीप ने हैट्रिक छक्के की मदद से 21 रन बनाए। दाउदपाट की टीम ओर से जावेद और सुनील 2-2 विकेट लिए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी दाउदपाट की टीम ने 10 ओवर 5 गेंद में 82 रन पर ऑल आउट हो गई। दाउदपाट टीम के टीपू ने 24 रन बनाए। चांदन टीम की तरफ से संदीप ने 3, प्रिंस एवं सुमन ने 2-2 विकेट लिए। चांदन टीम के प्रभाकर कुमार को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। मैच में मानिक मिश्रा एवं संजीव कुमार ने एम्पायरिंग की भूमिका निभाई, जबकि संजय बंजारा और सौरभ ने कमेंटेटर की भूमिका निभाई। इस अवसर पर बाढ़ पार्षद कुंदन कुमार, जदयू नेता मनीष झा, सौमित्र चटर्जी, सनी जॉनसन, रविंद्र राय, विनय मालाकार, सोनू चटर्जी, बजरंगी रजक, संजीव शर्मा, शेखर तपस्वी, अमल दास, रवि सिपाही, छोटू सा, प्रकाश मोदी, राजीव सिन्हा सहित भारी संख्या में दर्शक मौजूद थे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।